पुलिस है और आप लोगों पर जब कोई चोट पहुंचती है और आपको कोई दर्द देता है तो हमको कितनी पीड़ा होती है इसका एहसास आपको नहीं होगा। हमको आश्चर्य होता है, हम दिल से आपसे कहते हैं कि छाए में हमारे बच्चे खड़े हैं, हमको आश्चर्य है कि चार दिन हमारे बच्चों पर लाठी क्यों चली। समझ में नहीं आता जब कोई लोकतंत्र की बात करता है तो मुझे कभी कभी पीड़ा होती है कि हम उस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं जिस देश में अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग कभी नहीं होता, जिस देश में मत का प्रयोग हमेशा सेंटीमेंट के आधार पर हो, रोटी के आधार पर हो, कपड़ा के आधार पर हो, जिस देश का मत विवेक के आधार पर नहीं हो, महकमा के सौंडा बनाइए ना, महकमा के मजबूत नहीं होगा। और आप जो लोग हैं ये लोकतंत्र की बड़ी ताकत है और यदि इस जनतंत्र की ताकत पर कोई भी व्यक्ति यदि दुनिया में चाहे वो पप्पू यादव हो, बड़ा से बड़ा शासन हो, मुझे नहीं जानकारी, मैं मुख्यमंत्री जी से समय मांगा हूँ कि आप मुझे समय दें, गवर्नर से भी समय मांगा हूँ, आज भी हम कैंसिल किए हैं, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब आज और कल में दोनों दिन में हमको, अभी हम चाणक्य कॉलेज से आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें जितनी एक पीड़ा माँ को होती है उससे अत्यधिक पीड़ा हम को है कि हमारे बच्चों पर लाठी जबरदस्ती चलाया है। इस पर इंक्वायरी हो, इंक्वायरी की मांग करते हैं, जिस किसी के कारण भी ये लाठी चला है उस पर इंक्वायरी के साथ मुकदमा दर्ज हो, सस्पेंड हो, तो 27-28 तारीख से 20,000 स्टूडेंट खाना नहीं खाया था। होली के दिन जिस दिन की एक समोसा एक दुकान खुला नहीं रहता है, रात में मुझे लगभग 10,000 स्टूडेंट के साथ हमको खाना लेकर के एक माह की तरह जाना पड़ा। जब हम चार दिन लगातार एसएससी की लड़ाई लड़े तब देश के लोगों की नींद खुली, तब अन्ना जी तो परसों राहुल जी जब लड़ लेते हैं तब लोगों को लगता है पेट में दर्द आ रहा है, अब क्या होगा, और तब वो लड़ाई गति धरती है। हम आज आप प्रोटेस्ट मजबूती के साथ कर रहे हैं, कई ऐसी परिस्थितियां पाते हैं जैसे एसएससी की लड़ाई में वहाँ भी कोचिंग के बड़े बड़े टीचर हमसे मिले, हमने उनसे कहा कि कल आप पर सरकार का दबाव आएगा, आपको कहेगा कि हम इंडिविजुअली काला धन में फंसा देंगे, आपको कल प्रेशर आएगा, फिर बच्चों के साथ आप खेलना शुरू करिएगा। बड़े बड़े जितने कोचिंग वाले लोग थे वो लोग हट गए और छोटे कोचिंग वाले जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों के साथ अपना जीवन किसी तरह ले चलता है वह फिर उस कोचिंग को के साथ खड़ा हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ जितने लोग हैं निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम लोग एक दूसरे से ब्लड रिश्ता है, हम वचन देते हैं कल हाईकोर्ट हम आपके मुद्दे को लेकर के जाएंगे हाईकोर्ट भैया। आज मैंने लॉयर को बुलाया है, भैया 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 भैया